बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम दही वाली सब्ज़ मिर्च बना रहे हैं, जो कि बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ली है। इसको मैंने अच्छे से धो के इसकी सारी डंडियाँ अलग कर दी हैं। अब इसके दो दो पीस करेंगे सेंटर से ऐसे। अब एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर हम धनिया डालेंगे साबुत, सौंफ, मेथी दाना और राई दाना, और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कलर चेंज होने तक। मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब इसको हम कूट लेंगे। अब फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे क्रश किया हुआ। इसको फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और इसको भी फ्राई कर लेंगे मिर्चों को। अब दही के अंदर मसाले डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा पिसा हुआ और करौंजी। अब इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे, तो हमने रोस्ट करके इसको मोटा मोटा कूट लिया। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। पाँच छः मिनट हो गए हैं मिर्चों को फ्राई करते हुए। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे जिसमें मसाले मिक्स किए हैं। अब इसको डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह दही का पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर 1 लेमन का जूस डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, अगर आपको ये सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी सख्त लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ा सा हम इसको और पका लेंगे ताकि इसका जो हल्का सा भी इसके अंदर पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें माशाल्लाह हमारी दही वाली सब्ज़ मिर्च बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।